पढ़ाई लिखाई में बेटा और बेटी में भी फर्क नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मैं गांव में रहता कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा हो, तो सासु के दूसरा घर जाएगा, यही ना होता। लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो एक पीढ़ी कोई संस्कार नहीं मिलता, दो पीढ़ी संस्कारित होता। एक अपना पीढ़ी को संस्कार दिया, दूसरा शादी होके गया तो वहां भी संस्कार दिया ना। तो हमें पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं, नारी शक्ति हमारी बेटी पढ़े। और आज देख रहे हैं चाहे वो खेल में हो चाहे शिक्षा में है, कौन भारत का नाम रोशन कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम होता है तो हमारी बेटियां ही शील्ड लेकर आ रही ना। पढ़ाई लिखाई का रिजल्ट भी आप देखो तो लड़कों के बनिस्पत किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, किसका आता है, बेटियों का। ये क्षमता है, अगर आपकी कलेक्टर पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज कलेक्टर बनी होती है। तो शिक्षा खुद का ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भी विकास होता है। शिक्षा से आर्थिक उन्नति होती है, शिक्षा से आपकी जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आधा पेट खाना पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चे बच्चियों को स्कूल जरूर, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं है, शिक्षा से ज्ञान आता है, ज्ञान से समझदारी आती है, समझदारी से फिर उसके अंदर ईमानदारी आती है। और अब तक जो शिक्षा प्रणाली चल रहा था और हम सब की मानसिकता भी है पढ़ाई लिखाई मतलब नौकरी, यही ना मानसिकता है, पढ़ाई लिखाई मतलब नौकरी, ये अंग्रेज की मानसिकता थी, क्योंकि अंग्रेज शासन करने आए थे तो उसकी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि हमको सिर्फ नौकरी देने वाली शिक्षा। आज मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति बनाई, उस शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ स्किलिंग शिक्षा भी चाहिए और हुनर का भी शिक्षा। और इसीलिए अब आने वाले 2024 से स्कूलों में छठी क्लास से अब व्यावसायिक पढ़ाई भी शुरू, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ रोजगार कर सके, स्वरोजगार से कर सके और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। दूसरा था कि हर चीज में इंग्लिश बाध्यता थी, इंजीनियरिंग का एग्जाम दो एंट्रेंस का तो इंग्लिश, मेडिकल का एग्जाम दो तो इंग्लिश। मोदी जी ने भी इस बाध्यता को भी हटा दिया, अब 5 क्षेत्रीय भाषा हिंदी सहित 5 क्षेत्रीय भाषा में भी आप इंजीनियरिंग मेडिकल का आप एग्जाम दे सकते, ताकि गांव देहात में रहने वाले बच्चे भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपटीशन में भाग ले सके। अब कई इसी उड़ीसा के है ना, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी एक दूर सुदूर रायरंगपुर जिला से आने वाले, कभी भी पेशेंस नहीं खोई, बहुत उनके पर दुख का पहाड़ टूटा, पति की मृत्यु हो गई, दो दो जवान बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन सोसाइटी सेवा उन्होंने नहीं की, पेशेंस रखी, परिस्थिति से लड़ी। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति
आपके उड़ीसा के ही सहारनपुर की 70 साल की आजादी के बाद पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। छोटी मोटी बात नहीं है, हमारा लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ चाय बेचने वाला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सुदूर क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी महिला भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारी लोकतंत्र की बखूबी है। इसलिए मेरा आप सब गांव वालों से अनुरोध है, समस्या है लेकिन हम सबको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है ना। जब आपके पास साइकिल होता, जब तक साइकिल नहीं रहता तो साइकिल हो जाता तो अच्छा होता, साइकिल आ गया तो लगता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर आ गया तो लगता है कार आ जाए तो अच्छा है। तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया, सड़क बनेगी टूटेगी, नाली बनेगी टूटेगी, लेकिन हम सबको अपने अपने गांव का विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जो राज्य सरकार से संबंधित समस्या जो आप सब ने उठाया, चाहे धान खरीद का रेट हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक की समस्या हो, या फिर स्कूल खेल मैदान की समस्या हो, चाहे शादी मंडप की समस्या हो, चाहे पेंशन बढ़ोतरी का समस्या हो, उन सारी समस्या को राज्य सरकार से अवगत कराकर आपकी समस्या का समाधान हो।